तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना के जिसमें बताया था कि सैमसंग A52S का बहुत जल्दी OneOS 6.0 का अपडेट आने वाला है इंडिया के अंदर और बहुत जल्दी रोल आउट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उसमें बताया था कि इसका बीटा वर्जन भी लॉन्च हो चुका था पहले यूरोपियन कंट्रीज में, और अभी रिसेंटली एक टेस्टिंग भी चालू हो गई थी। बट आज इससे रिलेटेड एक और बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई है दोस्तों। बिग न्यूज़ ये है कि OneUI 6.0 का अपडेट स्टेबल वर्जन रोल आउट हो चुका है सैमसंग A52S के लिए। फिलहाल ये जो रोल आउट हुआ है यूरोपियन कंट्रीज के लिए हुआ है, और उसमें जर्मनी के लिए भी रोल आउट हो चुका है, ये आज रोल आउट हुआ है। अब इसका फायदा एक ये है कि आने वाले टाइम पे सबसे पहले अब इंडिया पे भी रोल आउट होगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी कंट्रीज में रोल आउट होना चालू होगा। तो अभी बाहर की कंट्रीज में चालू हो गया है और बहुत जल्दी ये इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। हो सकता है इसी वीक या नेक्स्ट वीक भी ये रोल आउट हो जाए। और अब बात करें इस अपडेट्स में क्या क्या नए चेंजेस और क्या क्या इसमें कितने MB का ये अपडेट आया है, कितने GB का अपडेट है। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ, जो कि दोस्तों जो इसका अपडेट का साइज है 2.3 GB का, लगभग की 2200 कुछ MB का ये अपडेट का साइज है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट के जो साइज एक्चुअल साइज है 2294 MB का ये अपडेट है। और आप बात करें इस अपडेट को, ये किसी ने रोल आउट, किसी का स्क्रीनशॉट है बाहर की कंपनी का, और इसमें फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज में इसको रोल आउट किया गया और जर्मनी में भी इसको रोल आउट कर दिया गया है, जिसका अपडेट साइज ये है। उसके अंदर बहुत सारे आपको OneUI 6.0 से रिलेटेड अपडेट्स या फीचर्स मिलने वाले हैं। न्यू बटन लेआउट, इंस्टेंट एक्सेस द फुल क्यूक पैनल, क्यूकली एक्सेस ब्राइटनेस कंट्रोल, इम्प्रूव एल्बम आर्ट डिस्प्ले, इनहांस लेआउट ऑफ नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन बाय टाइम, क्लॉक रिस्पॉन्डिंग, होम स्क्रीन से लेकर सिंप्लीफाई आइकन लेवल्स, टाइप फेस, न्यू डिफॉल्ट फोन्स, मल्टीटास्किंग, सैमसंग टैग्स, लिंक्स टू विंडो, सैमसंग कीबोर्ड, कंटेंट शेयरिंग, कैमरे से रिलेटेड और भी बहुत सारे नए नए फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। बस काम की बात ये थी दोस्तों, मेन बात थी कि ये अपडेट फिलहाल रोल आउट होना चालू हो गया है स्टेबल वर्जन पे, और बहुत जल्दी अपने इंडियन वर्जन पे भी आएगा। यही नया अपडेट था सैमसंग A52 से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।